अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, वेलकम बैक टू अनदर लेसन व्हिच इज ऑल अबाउट लाइट्स एंड शैडो। सो द चैप्टर इज 9 एंड द नेम इज लाइट्स एंड शैडो। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट, एज यू ऑल नो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? वी हैव लाइट ऑल अराउंड अस एंड द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज आवर सन। एज यू ऑल कैन सी, लाइट इज व्हाट? इट्स एन एनर्जी एंड sun is the main source of light. We have so many lights, but they are differentiated into two categories. First is natural light and the other one is man-made light. So as you all can see, sun, stars and fireflies are the example of natural light. So let's move on to the man-made lights. When at night we don't have our natural resource sun out there to provide us the light and there's no moon in the night, so some people just figure out कि अगर हमारे पास moon भी नहीं होगा, sun भी नहीं होगा, तो हम light कैसे invent कर सकते हैं, right? So they made some resources. First of all, the very first resource was the fire, right? Fire was the very first resource for the light. Then there are many things like bulb and other inventions which came into being by the man, and they started to provide us the light when we do not have some natural resource to provide us that, right? Then comes the next one, which is about the types of light. First one is bright light and other one is dim light, right? As you all can see, the sun is the brightest star, right? Uski light kya hai? Bahut zyada bright hoti hai as compared to moon. So we can differentiate as sun is the brighter source of light and moon is the dimmer source of light. Then also comes, if you take an example of fire, brightness क्या होती है? Intensity होती है light की। कोई चीज़ जब आपके बहुत करीब होती है तो उसकी intensity ज़्यादा होती है, और जब वो दूर होती है तो उसकी intensity कम होती है। In the same manner, जो brightness होती है, जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा bright होती है, just like the fire, तो उसके करीब जो होगी उसकी intensity बहुत ज़्यादा high होगी, but as you move further, उसकी light की intensity क्या होगी? कम होती जाएगी, एक time पे आके ख़त्म भी हो जाएगी, right? So let's move on the next slide, which is about the properties of light. Light कैसे move होती है? Light जो होती है वो rays के through move करती है around our environment. Then how are shadows formed? Shadows कैसे form होते हैं? जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करती है, मींस डायरेक्ट उस पे पड़ती है लाइट, तो उसके पीछे उसका शेडो फॉर्म होता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर्टिकुलर लाइट को ब्लॉक कर देता है, राइट? यू कैन सी हेयर, यहाँ पे एक चेस का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जब हम इस पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इसकी यहाँ पे शेडो बन रहा है, बिकॉज हेयर इट इज ब्लॉकिंग द लाइट एंड फॉर्मिंग अ शेडो। देन द नेक्स्ट लाइट इज ऑल अबाउट द smaller shadows and the bigger shadows. You can do it in your experiment as well at your home, कि जब भी कोई object light के close होता है उसका shadow ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा space occupy कर रहा होता है light का, जो light होती है वो उसको block ज़्यादा कर रहा होता है जब वो करीब होता है, but जैसे जैसे वो उसके move further away जाता है उसका shadow small होता जाता है, क्योंकि वो फिर कम जगह occupy करता है, कम space लेता है, और प्लस उसका जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है वो कम होती है, और इस वजह से शेडो भी छोटा फॉर्म होता है। यू कैन सी यहाँ पे एक डॉल लाइट टॉर्च लाइट के बिल्कुल करीब है तो उसका शेडो बड़ा है, हमने थोड़ी सी दूर की तो उसका शेडो और छोटा हो गया, और जब बिल्कुल ही फर्दर अवे हो गई तो उसका शेडो बिल्कुल उसके बराबर का हो गया। सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट विच यू कैन डू एट योर होम एज वेल बाई यूजिंग अ टॉर्च और अ बुक और एनी ऑब्जेक्ट जो आपका ओपैक होता है, मतलब वो जो है शेडो को फॉर्म कर सकता है, उससे लाइट ट्रांसफर नहीं हो सकती। व्हाट इज ओपैक, राइट? लेट्स मूव ऑन फर्दर टू डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स। कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि लाइट होती है, कुछ चीज़ें उस लाइट को पास ओवर नहीं कर सकती, बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं।
वो कहलाती हैं ओपैक, जिसके थ्रू बाद में शेडो बनता है। वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को अपने अंदर से आगे फॉरवर्ड नहीं करती, बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं लाइट को और उसका शेडो फॉर्म होता है, वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट्स। जस्ट लाइक इफ यू टेक अ पैन और पैन पे आप टॉर्च लाइट मारेंगे तो पैन का शेडो पीछे फॉर्म हो जाएगा, लेकिन पैन के दूसरे साइड पे लाइट नहीं होगी, क्योंकि ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, ये अपने अंदर से लाइट को आगे फर्दर अवे नहीं करता, उसको पास ऑन नहीं होने देता। द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। यू कैन सी हेयर वी हैव अ ग्लास एंड हेयर वी हैव अ ग्लास बॉटल। ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट हैं, इसके अंदर से लाइट कम्प्लीटली पास हो सकती है, बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होती और कम्प्लीटली पास हो जाती है, ये जो है उसको ब्लॉक नहीं करती। दैट्स वाई दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। देन देयर इज अनदर वन विच इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं कुछ इस तरह के, जो आपकी विंडोज़ होती हैं, उससे क्या होता है लाइट पास तो होती है लेकिन बहुत कम ही अमाउंट में होती है, ज़्यादा लाइट जो है वो उससे पास नहीं हो पाती। जस्ट लाइक यू कैन सी एज अ बटर पेपर, इससे अंदर क्या होता है, इससे भी आपकी लाइट जो होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में पास थ्रू होती है और थोड़ी सी ब्लॉक भी हो जाती है। दैट्स वाई वी कॉल दीज ऑब्जेक्ट्स एज ट्रांसलूसेंट। फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन You can clearly see here we have a transparent glass जिसके अंदर से आप बिल्कुल see through कर सकते हैं, इसी तरह इससे light pass होती है। Then comes translucent, इसके अंदर से क्या होता है आप ज़्यादा clearly light pass होते हुए नहीं देखेंगे। And then comes the opaque object जिसके अंदर से बिल्कुल भी light pass नहीं हो सकती। So you can see the difference between transparent, translucent and the opaque object। Then comes another one जिसके ऊपर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे लाइट क्या होती है वो टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइक गोल्ड। आप जब गोल्ड को किसी लाइट के सामने रखेंगे तो क्या होगा, वो चमकने भी लगता है, राइट? तो वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है लाइट रेस को। एंड देयर इज अनदर वन, स्टील यूटेंसिल्स जो होते हैं, स्टील जो आपकी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें स्टील से बनी हुई होती हैं, वो भी क्या करती हैं, आपके लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। जब लाइट रेज इन पे टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, उन रेज को रिफ्लेक्ट कर देती हैं इन अदर डायरेक्शन। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स जो रिफ्लेक्टेड लाइट को फॉर्म करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइट्स एंड शेडोज, हाउ आर लाइट्स मूव एंड हाउ आर शेडोज फॉर्म एंड अदर थिंग्स। सो टेक आउट योर बुक्स बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बुक वर्क। And the first one is concept check on page number 65, in which, my dear students, you have to write that first you have to look at these pictures in your book and then answer कि यहाँ पे इन दोनों में से कौन जो है वो book को clearly देख सकता है और क्यों। So as you all can see, here is a girl and a boy. The girl is holding a book like this. But if this light is over here and you are holding a book like this, it won't light on your book, right? आपको जो light होगी वो आपकी book पे नहीं पड़ी होगी, आपकी book का जो वो part जो आपको read करना है वो shadow में होगा, वो dark area में होगा, right? तो यहाँ पे जो यहाँ पे girl है इसको थोड़ी सी problem होगी, लेकिन If you will compare it with this picture, यहाँ पे क्या है, इसकी book जो है completely bright है, in the light, the lamp is completely lighting the book, right? यहाँ पे क्या है, complete light जो है वो book पे पड़ रही है and it is bright. You can clearly see when there is a lot of light और आपको हर चीज़ बहुत clear नज़र आती है, so that the boy in the picture B can see the book more clearly because in the direction of the light is directly on the book. The direction of the light कहाँ है, वो directly book की तरफ है, right? So इसका answer क्या है कि ये boy जो है वो completely देख सकता है क्योंकि उसकी जो light है वो उसकी direction completely book पे है. Then the other exercise is all about the concept check which is on page number 67 and the exercise is 1 and you have to fill in the blanks about the chapter which we have read. So let's start. Shadows are made when light is what? When light is blocked by an object, right? जब एक object जो है वो light को block करता है तभी उसके पीछे shadow form होता है, right? So when it is blocked, then
light cannot pass through most dash objects. We have just read that some solid objects which are called opaque, उसके through जो है light pass नहीं होती, right? So some solid objects, smooth and shiny objects क्या करते हैं? Gold shiny होता है, right? Steel भी shiny होता है, वो क्या करते हैं? Reflect कर देते हैं light को. So the answer is blocked, solid and reflect. The second exercise is on the same page, my dear students. Exercise number 2. Here we have some objects written in the box. और इसको हमें देखना है गौर से कि कौन कौन से जो objects हैं वो उस particular column में rely करते हैं. और columns क्या हैं हमें? First column is man-made resource of light, natural resource of light, रिसोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. मतलब एक जगह हमें लिखना है कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो मैन मेड हैं, देन वो रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और देन द सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब जिनकी अपनी लाइट नहीं होती वो रिफ्लेक्टेड लाइट से रोशन होते हैं. देन फर्स्ट वन इज टॉर्च. टॉर्च इज अ मैन मेड. इलेक्ट्रिक लैम्प इज मैन मेड. लैंटर्न, मैच, कैंडल, ट्रैफिक लाइट्स एंड इन द एंड मोबाइल फोन स्क्रीन आर ऑल मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. देन सन, स्टार एंड फायर फ्लाई आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, राइट? बट वी कैन सी दैट हेयर वी हैव रिटन द मून. मून, माई डियर स्टूडेंट, इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, बिकॉज उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, उस पर सन की रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, इसी वजह से वो ब्राइट होता है और हमें नजर आ रहा होता है. सो द मून, मिरर एंड मेटल ट्रे आर द सोर्स ऑफ वॉट? रिफ्लेक्टेड लाइट्स. देन वी हैव टू स्टार्ट विद द कॉपी वर्क. सो ग्रैब ऑन योर कॉपीज बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 68 एंड द एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट चूज द करेक्ट आंसर्स. सो द फर्स्ट वन इज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स दैट आर कॉल्ड वॉट? दे आर कॉल्ड रेज. देन हाउ इज अ शेडो फॉर्म? हाउ इज अ शेडो फॉर्म? जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट रेज को ब्लॉक करता है, राइट? वेन द लाइट इज ब्लॉक बाय एन ऑब्जेक्ट, देन अ शेडो इज फॉर्म. द थर्ड वन इज द टाइप ऑफ सरफेस विच रिफ्लेक्ट मोर लाइट्स आर वॉट? स्मूथ एंड शाइनी ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टील एंड गोल्ड, राइट? देन फोर्थ वन इज विच ऑफ दीज कैन लाइट पास थ्रू? इन चारों में से कौन सी वो चीज़ है जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है? अ ग्लास विंडो इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, राइट? उसके थ्रू क्या होती है? लाइट पास हो जाती है. द लास्ट वन इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू अ लाइट मेक्स अ बिगर शैडो, एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू अ लाइट मेक्स अ स्मॉल शैडो, अ बिग ऑब्जेक्ट मेक्स अ स्मॉल शैडो, एन ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम लाइट मेक्स अ बिग शैडो. वी ऑल हैव जस्ट डिस्कस्ड जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट के बहुत करीब होता है तो क्या होता है? उसका शैडो बड़ा फॉर्म होता है, राइट? सो दिस वन इज द राइट स्टेटमेंट. दैट्स ऑल फॉर द एक्सरसाइज एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़.